नमस्कार। लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की, जहां एक तरफ फिर से ईडी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका दे दिया। आपको बताएं, दरअसल लालू यादव के परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अमित और उसकी, आपको बता दें कि जो कंपनियां हैं रियल स्टेट की, उसके 113 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर दिया है। सीधे तौर पे ईडी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के करीबी के ऊपर शिकंजा कस दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि तारकिशोर प्रसाद ने एक बार फिर से बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताएंगे। बांग्लादेश में तनाव के बाद प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को शरण देने पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, ये कहना है पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार फिलहाल बांग्लादेश में जो हालात है इसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत कर रही है, साथ ही भारत सरकार हर विषय पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के ताज़ा हालात में हिंदुओं को टारगेट बनाए जाने पर उन्होंने अफसोस जताया और कहा है ये बिल्कुल भी गलत है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और बात करेंगे मुंगेर की। मुंगेर काफ़ी पुराना शहर है और लगातार यहाँ पे हवाई अड्डे की मांग हो रही थी। आपको बता दें मुंगेर में लंबे समय से हवाई सेवा की मांग उठा रही है। वहीं अब ताज़ा मामला जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि मुंगेर में हवाई सेवा शुरू होने वाला है। जानकारी अनुसार मुंगेर सांसद और विधायक की पहल पर सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। दरअसल मुंगेर एक काफ़ी पुराना और पौराणिक जिला है, साथ ही यहाँ आपको बता दें कई तरीके की चीज़ें भी है। अनंत मार्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होने के कारण यहाँ कई देशों से जो लोग हैं टूरिस्ट हैं वो यहाँ घूमने आना चाहते हैं, और अगर हवाई अड्डा बन जाता है तो मुंगेर वासियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की। इस बार प्रशांत किशोर ने कमर कस ली है और 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। उसके पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया। आपको बताया प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा 2025 को लेकर पूरे जोर से तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर की सरकार बनते ही राज्य में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो विफल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे मौसम के मिजाज की, जहां एक तरफ बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है तो कहीं ना कहीं लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में अगर हम बात करें तो राजधानी पटना समेत औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं पटना, बक्सर, आरआर, रोहतास, नवादा और कैमूर, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बढ़ते जल स्तर को लेकर। पटना में हर जगह गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसको लेकर जो गंगा आरती होती थी शनिवार और रविवार को उसको बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से मॉनसून के आने के बाद जल स्तर बढ़ रहा था उसको उसकी हालात को देख के गंगा आरती बंद कर दी गई है। जब हालात सामान्य होंगे तो गंगा आरती फिर से शुरू होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे की, जहाँ पर एक बार फिर से पटना यूनिवर्सिटी जो है चर्चा में आई है। पटना यूनिवर्सिटी में फिर से गोलीबारी हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है। हालांकि गोलीबारी की घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन जो छात्र हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया कि बीएम कॉलेज के छात्रावास के छात्रों द्वारा घटनास्थल से बरामद 4 खोखे भी पुलिस के हवाले किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे कि गृह जिले में पोस्टिंग की लिए हर कोई कोशिश कर रहा था, चाहे बात करें हम पुलिस विभाग की या शिक्षा विभाग की, हर कोई चाहता है कि उनके गृह जिलों में उनको पोस्टिंग मिले। आपको बताया 1313
पुलिस कर्मियों का अनंतर जिला तबादला कर दिया गया है। सभी रैंक के पुलिस पदाधिकारियों की उन्हें गृह जिलों में पोस्टिंग कर दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय की कर्मियों एवं कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। बता दें कि जिन पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है उनका कार्यकाल अवधि जो है 6 महीने से लेकर 1 साल तक होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे रोजगार को, लेकिन क्योंकि बिहार में रोजगार का मुद्दा काफी अहम है, आपको बता दें कि SSC CGL टायर 1 एग्जाम डेट 2024 जो है सामने आ चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग ने आज आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि एक परीक्षा जो है वो जारी कर चुकी है, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, या आपको बताया कि और जो परीक्षा होने वाली है आप इसका आवेदन ssc.government.in पर देख सकते हैं। आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे रेल में जॉब के लिए, जहां पैरामेडिकल कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए बड़ी सौगात है। रेल में आपके लिए काफी ज्यादा नौकरियों की बाहर है। रेलवे की ओर से पैरामेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। इस कैटेगरी के तहत आपको बता दें कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, शायद साथ में डेंटल थेरेपिस्ट, आप ECG, साथ में लेबोरेटरी असिस्टेंट, फील्ड वर्कर समेत कई जगह पे आपको जॉब मिल सकती है। आपको बता दें कि जो इसकी अवधि है 12th पास आपको होना चाहिए। इसके साथ ही 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष के जो लोग हैं वो जो है आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए बड़ी सौगात है अगर आपने पैरामेडिकल का कोर्स कर रखा है तो ये खुशखबरी आपके लिए, आप भी रेलवे में भर्ती हो सकते हैं। तो दिन भर की तमाम बड़ी खबर थी। आपको बता दें लगातार बिहार की राजनीति भी गर्म है, तो ये सारी खबरें उसी से जुड़ी हुई थी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।